जय हिंद एंड वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट इन दिस लेक्चर आई कैप्टन डॉक्टर विनोद कुमार पेरवा एसोसिएट एन सी सी ऑफिसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एस आर पी गवर्नमेंट कॉलेज पानी हुई कैडेट्स एंड प्रिय छात्रों आज जिस टॉपिक पर मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो है हाउ टू कम्युनिकेट हम बात कैसे करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे हम एनहांस करें इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन स्किल्स जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक अच्छा करियर और पहचान देने में मदद करता है इससे आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर पाते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से आप अपनी टीम का निर्माण और संचालन अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो बिफोर टू स्टार्ट दिस लेक्चर हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स तो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाई विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रो ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल साइन और बिहेवियर जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं उन तक पहुँचा सकते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर यूँ कहें कि टू गिव इंटरचेंज थॉट्स, फीलिंग्स इंफॉर्मेशन और द लाइक बाय राइटिंग स्पीकिंग एट्सट्राज तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और से कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बात से सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप अच्छे से अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति को मनवा सकते हो उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो वहीं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या सही नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से अपनी बात लोगों से नहीं मनवा सकते कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सामने वाले व्यक्ति से आप बातचीत करने का तरीका जो है सामने वाले व्यक्ति के साथ में जो हम बातचीत करते हैं उसका जो तरीका होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है और सही कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति को अपनी और किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनको बेहतर करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं लेकिन उससे पहले एक कॉमन जो टेंडेंसी है जो एक कॉमन विचार है वो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी सफल और सक्सेसफुल पर्सनस हुए हैं इट इज़ सेड कॉमनली सेड कि उनके पीछे किसी महिला का हाथ होता है लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सब के पीछे कम्युनिकेशन स्किल्स का हाथ है अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और व्यक्तियों से बेहतर हो किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पर्सनालिटी का अहम हिस्सा होती है इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको बेहतर बनाती है औरों से बेहतर बनाती है दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बातचीत का स है जो कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में दिया और बात करना एक कला है जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बात करने का तरीका अच्छा है तो सफलता आपके कदम चूमेगी क्योंकि सफलता आपकी कम्युनिस कम्युनिकेशन स्किल्स है उन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है इसलिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है अब कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का तरीका क्या हो सकता है तो पहला तरीका है बॉडी लैंग्वेज एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो उत्कृष्ट होना चाहिए यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग बॉडी लैंग्वेज यानी कि जो अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है अलग अलग होती है हमें कम्युनिकेशंस के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि लोग बोलते कुछ हो रहे हैं उनकी जो बॉडी है उसकी लैंग्वेज कुछ और होती है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं वही भाव आपकी बॉडी जो है उसका निकल करके आ रहा है नेक्स्ट जो है सहज बने नेक्स्ट सहज बने सहज कैसे बने सहज यानी कि एक हमेशा एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए सहज बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह जो है लोगों में आपस में घुल मिल जाए और बात कर सके इसके अलावा कभी भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर या तकिया कलाम लगाकर नहीं कहें इससे सामने वाले पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तीसरा है सही भाषा का चुनाव तो सही भाषा का जो चुनाव है उसके में आप जब भी, भी किसी से बात कर रहे हैं तो सही शब्दों का चयन करें कभी भी काम चलाओ और सस्ते शब्दों को प्रयोग में ना लें क्योंकि जब आप अच्छे और इम्प्रेसिव शब्दों का चयन करने लगेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपकी तरफ इम्प्रेस होंगे चौथा है उम्र और प्रोफेशन का ध्यान जब भी भी हम किसी व्यक्ति से किसी शख्स से बात करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों से हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उसका उम्र और प्रोफेशन का ध्यान रखें जब आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो उसका तरीका अलग होना चाहिए और जब आप ऑफिस में बात करते हैं तो उसका तरीका अलग होना चाहिए फिफ्थ है पॉइंट टू पॉइंट का तरीका आप हमेशा अपनी बात को कहते समय पॉइंट टू पॉइंट तरीका अपनाए क्योंकि सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ जाए तो बातों में सामने वालों को उलझाने की कोशिश नहीं करें आप टू द पॉइंट चलें कि पहला ये सेकंड ये थर्ड ये अच्छे श्रोता बने एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा स्रोता होता है दैट्स वाई इट इज़ वेली सैड कि वाइल स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड समटाइम्स यू हाउ टू लिसन अदर्स अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो इसलिए बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि बोलना जो है उससे बेहतर है कि सामने वाली बातों को जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी बातों को सुने उसकी बातों में इंटरेस्ट लें क्योंकि कई बार जो इस तरीके का जो सोच है वो सामने वाले के प्रति या सामने वाले के जहन में आपके प्रति एक अलग इमेज आ जाती है विश्वास सातवा नंबर जो है विश्वास कभी भी अपनी खुद की बातों नहीं काटे आप जो भी बोल रहे हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए और आपकी बातों से विश्वास झलकना चाहिए झलकना चाहिए सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं उसमें किसी तरीके की कोई बनावटी या मैनिपुलेटेड चीज़ नहीं है नेक्स्ट अब कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास कैसे करें हमने तरीके जो हैं उनकी बात की अब इनको डेवलप कैसे करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो बेसिक है उसको समझना अपने श्रोताओं की दिलचस्पी को बनाए रखना अपने शब्दों का इस्तेमाल करना रिलेटेड आर्टिकल्स स्रोत उद एग्जाम्पल्स इन सब को लेकर के अपने रिश्ते को बन अपने रिश्तों को बनाए रखना या फिर एजुकेशन और वर्क की बात हो इन सब में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सही तरीके से एक्सप्रेस करना संपर्क करना बहुत ज़रूरी है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप्स कुछ विधियाँ हैं जो आपके सामने हैं पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिक्स को समझना अभी बेसिक्स क्या है वास्तव में कम्युनिकेशन क्या है यह समझें कम्युनिकेशन में विभिन्न तरीके हो सकते हैं लिख कर हो सकता है बोल कर हो सकता है इशारों में हो सकता है एक सेंडर सिग्नल या मैसेज एक रिसीवर तक पहुंचाता है इस माध्यम से हम संबंध बनाते हैं या बदलते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक्स को समझना पड़ेगा दूसरा आप जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें आत्मविश्वास के साथ बातचीत में योगदान दें प्रतिदिन अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए कुछ न कुछ सोचें विचारें समय लें अपने आप को अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कन्वे कर सकें इसके लिए सोच कर चुप न रहें आपकी बात ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि एक ही बात को भिन्न भिन्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण या महत्वहीन हो सकती है एक के लिए अच्छा हो सकता है तो एक दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है थर्ड है प्रैक्टिस अभ्यास करें अब अभ्यास जो है उसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स का हमेशा प्रैक्टिस करें अभ्यास करें किसी भी सामाजिक या प्रोफेशनल वातावरण में ये विकसित हो सकती है एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स रोज़ाना के सरल संपर्कों से शुरू होती है नई स्किल्स को सभ्य बनाने में ये बेहद ज़रूरी है ये ज़रूर अपन को लगता जरूर है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये ज़रूरी होनी चाहिए लेकिन यह तय है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एक नया मौका देते हैं एक भविष्य निर्माण एक एक पार्टनरशिप के लिए रास्ते खोलता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो बेसिक्स को हमने समझा तो अब इस कम्युनिकेशन स्किल की जो जो तीन पॉइंटों की मैंने चर्चा की है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक्स को समझें आप जो सोचते हैं उसको कहने की हिम्मत रखें अभ्यास करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिक्स में हमने जो मोटे तौर पर जिनकी बात की वो लिख कर बोल कर और इशारों में यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के सिग्नल्स की बात की तो अब ये किन किन तरीके से बात हो सकती है पहला आँखों से कांटेक्ट हो सकता है आँखों से कांटेक्ट करके बातचीत करते समय हमेशा दूसरे व्यक्ति की आँखों में देखने से इंटरेक्शन ज़्यादा सफल होता है आई कांटेक्ट करने से लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं दूसरे व्यक्ति को भी इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है ऐसा करने से सुनने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा एक नई चमक महसूस होगी आपको आपको लगेगा कि वो व्यक्ति आपको वेटेज दे रहा है और आपको भी महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको उतना ही वेटेज दे रहा है दूसरा है जेस्चर्स का इस्तेमाल करें आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हमेशा बनाए रखें हाथों से जेस्चर्स करें अपने हाथों को बॉडी लैंग्वेज जिसको अपन बात कर रहे थे उनके द्वारा आप बातों को कन्वे करें छोटे ग्रुप्स के लिए छोटे जेस्चर्स और बड़े ग्रुप के लिए आपकी जो बात करते हैं तो बड़े जेस्चर्स होने चाहिए आपकी आवाज़ बड़ी होनी चाहिए ऊंची होनी चाहिए आपका हाथ हिलाने का जो तरीका बॉडी का जो लैंग्वेज जो एक्सप्रेशन करने का तरीका है वो वाइट होना चाहिए मिक्स्ड मैसेज ना दें दो बातें एक साथ नहीं कहें जैसे जेस्चर फेस के एक्सप्रेशन और टोन ये सब तीनों एक साथ मैच करने चाहिए किसी को मुस्कुराकर डांटने से आपका मैसेज बेकार हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए ध्यान रखें नकारात्मक मैसेज देने के लिए आपके चेहरे पर या फेशियल एक्सप्रेशंस या टोन जो है वो आपकी गुस्से वाली होनी चाहिए और अगर आप मुस्कराते हो तो आप उनको अप्रिशिएट करिएगा जागरूक रहें कि आपकी बॉडी क्या कन्वे कर रही है जो फोर्थ है जिसकी हमने बात की रखने की बात की कि आपकी बॉडी और आपके शब्द दोनों प्रभावशाली हो सकते हैं रिलैक्स ढंग से बाहें बगल में डालकर खड़ा हुआ व्यक्ति से व्यक्ति ज़्यादा मिलनसार लगता है उससे बात करते समय आप बात कर सकते हैं हंस किए हुए कंधे जो हैं क्रॉस आर्म्स के साथ में अरुचि कर दिखते हैं लगता है कि वो कम्युनिकेशन की इच्छा नहीं रखता उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कई बार हमें बात शुरू होने से पहले ही रुक जाती है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है उससे लगता है कि वो आदमी इंटरेस्टेड नहीं है उसका पोस्चर खड़े होने का तरीका जो है वो मुश्किल से या स्मूदली फ्लो के साथ में नहीं है तो जो व्यक्ति आपके सामने आपका जो मतलब आपका जो मैच होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज और आपका जो शब्द हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए और वो मैच होने चाहिए रचनात्मक भाव और विचार प्रकट करें जब भी भी आप किसी से इंटरेक्ट करें और जो करने का जो ढंग है वो आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है हमेशा टू बी ऑनेस्ट रहें उसके साथ साथ ट्रू आपकी सत्यवादिता होनी चाहिए आपकी सेंस होनी चाहिए सहनशीलता होनी चाहिए आशावादी रहें दूसरों का आदर करें उन्हें स्वीकार करें उनकी भावनाओं को महसूस करें उनकी क्षमताओं में विश्वास रखें इफ़ेक्टिव सुनने के स्किल्स को विकसित करें देखिए केवल अच्छी तरह से बोलने से ही दूसरों मतलब आप खुद अच्छे तरीके से बोलना यही महत्वपूर्ण है सामने वाले को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है उन्हें सुनना भी चाहिए इस क्योंकि बात करने से बात बढ़ती है जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुने जल्दी न करें उसकी बात खत्म उसकी बात को ख़त्म होने तय खत्म होने, होने दें अपने विचार या यादें ब्लट आउट हैं वो हो जाती हैं इसलिए हमेशा ध्यान रहे अपने आप को ज़्यादा सुपर स्पेशल साबित करने की कोशिश नहीं करें उसको भी उतना ही सामने वाले को बराबर का मौका दें अब नेक्स्ट जो है वो है अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सटीक तरीके से करना चाहिए अपने शब्दों को इन, इनिशिएट करना चाहिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कैसे मुंह के अंदर बोलने की जगह क्लियरली बोलें यदि अक्सर लोग आपसे बात दोहराने के लिए कहते हैं तो आप ठीक तरह से बोलने की कोशिश करें क्योंकि आप समझ जाना चाहिए कोई जब भी कोई आपसे कहे कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ सॉरी इट इज़ नॉट ऑर्डरेबल कैन यू रिपीट इट अगेन तो इस तरीके की अगर बात आती है तो आपको अपने अंदर सुधार की ज़रूरत है शब्दों का सही उच्चारण करें वैकबलरी के आधार पर लोग आपकी क्षमता का अनुमान लगाएंगे जिन शब्दों के उच्चारण के बारे में संदेह हो उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करें प्रतिदिन नए शब्दों को पढ़कर वैकबलरी जो है आपकी जो आपका जो डिक्शन है आपके जो शब्द हैं उनको बढ़ाएँ है। सही शब्दों का इस्तेमाल करें यदि किसी शब्द का सही अर्थ नहीं जानते हैं तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल में ना लें एक डिक्शनरी लेकर के प्रतिदिन एक नया शब्द खोजने की आदत डालें फिर उसे दिन में बातचीत के दौरान इस्तेमाल करें दैट्स व इट इज सेट कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते समय स्लो जाएं, बहुत तेज स्पीड में ना बोलें बहुत ऊंची स्पीड में नहीं बोलें आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए हैं और अगर आप और आपको अपने ऊपर भरोसा भी नहीं लगेगा किंतु धीमे भी नहीं बोले लोगों को फिर आपकी सहायता के लिए आगे आना पड़ेगा वो वाक्य को पूरा करेंगे तो हमेशा जो आपका बोलने का तरीका है वो परफेक्ट होना चाहिए अपनी वॉइस को डेवलप करें ऊंची और वाई नहीं वॉइस रोब वाली मानी जाती है ऑथोरिटेटिव मानी जाती है वास्तव में ऊंची आवाज़ सॉफ्ट वॉइस की जगह से हो सकती है देखिए आपके कोवर्कर्स आपको कमज़ोर समझे, आपकी बात को सीरियसली ना लें अपनी बात की पिच नीची करने के लिए एक्सरसाइज करें एक ऑक्टिव नीचे अपने शब्दों के मतलब जिसको है गाएँ अभ्यास करें कुछ समय बाद आपकी पिच जो है वो नीचे लगेगी तो इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत ऑथोरिटेटिव वे में ना तो अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलें और ना ही बहुत ज़्यादा अपनी बात को मनवाने का प्रयास करें ना तो लो होने चाहिए ना ही अप होनी चाहिए अपनी वॉइस को एनिमेट करें एक ही टोन में बोलने से जगह में बदलाव करें क्योंकि वो बोर बोर करने वाली होती है उबाऊ होती है रेडियो के जो डिज़ेस है उनके समान आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए अगर आपने एक, एक 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 ही तरीके से अगर आप बोलते गए तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी सामने वाले को बोरिंग लगेगी और अगर बोरिंग लगेगी तो वो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर एक प्रसन्न चिन्ह लगा देगी उचित वॉल्यूम का इस्तेमाल करें देखिए सेटिंग के अनुसार अपनी वॉल्यूम को रखें अगर आपके पास कुछ एक लोग खड़े हुए हैं आप धीरे बात करें लेकिन अगर आप बड़े ग्रुप में हैं आप स्टेज पर हैं तो फिर बातों को जोर देकर समय के साथ जोर से बोलें इसलिए हमें हमारे शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपसला कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं हम कैसे अपने आप को अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से रख सकते हैं पहला फ्लुएंटली बोलें धारा प्रवाह तरीके से बोलने की कोशिश करें और ये पक्का कर लें कि लोग जो हैं लास्ट जो ऑडियंस है जो लिसनर है उसको आपकी बात सुनाई दे रही है एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा सुनने वाला भी होता है इसलिए दोनों स्किल्स को डेवलप करें अच्छा बोले भी और अच्छा सुने भी अपनी बात दूसरों को मनाने के लिए ध्यान रहे दूसरे व्यक्तियों के बीच में या ऊपर से न बोलें यह बातचीत के फ्लो को तोड़ देता है और ठीक समय पर बोलना महत्वपूर्ण होता है अपनी बातचीत की सेटिंग वॉल्यूम के हिसाब से अप एंड मतलब लो एंड हाई करें अपने श्रोता से फीडबैक लें या सुनिश्चित करें कि आपकी बात ठीक से समझ में आ गई है आत्मविश्वास के साथ बोलें दूसरे लोग क्या सोचेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कोई मायने नहीं रखती बात ये निश्चित कर ले कि आप ठीक व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रोता के सामने बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं करें वो जानता है आपके बारे में आपको अपने मुंह मिट्टू मियाँ बनने की ज़रूरत नहीं है ये न सोचे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनके लिए सबसे पहला और अंतिम जो बूस्टर है वो आपका आत्मविश्वास है इसको हमेशा बढ़ाए रखें और लोगों के सामने कभी भी हक लाए नहीं ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें इससे आपको आइडिया लगेगा कि भिन्न प्रकार के लोगों के साथ आपको कैसे बातचीत और बर्ताव करना चाहिए अभ्यास करने से कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा बेहतर होती है बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए आप जो कहने जा रहे हैं उसके अभ्यास एक शीशे में खड़े होकर के आप सामने कर सकते हैं कि जो आप बोलना चाहते हैं वैसे ही आपके बॉडी जेस्चर्स हो रहे हैं और आपकी जो बॉडी है उसकी लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है ऐसा नहीं कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो बात कुछ और है और आप जो कर रहे हैं वो बात कुछ और है तो अच्छे से ध्यान रहे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनका तरीका यह है और इसके लिए सलाह अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है तो बीच बीच में मैंने पहले भी आपको इसके उदाहरण दिए कि ध्यान से सुनना चाहिए आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन बातों को समझें और कहें आपका जो सर, ज, ज, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है वो उचित तरीके से होना चाहिए आ, हम नॉर्मली अपनी बात को रखने के लिए आजकल क्योंकि ई टोक ई टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम पावर पॉइंट प्रजेंटेशन देते हैं और अपनी बात को रखते हैं कोशिश करें इसको अवॉइड करें कारण कि इससे फिर आप एक स्टीरियो चीज़ें हो जाती हैं आपके जो कई बार हम लोग होता ये कि अपने जो मैसेजेस हैं किसी ने भेजा और हमने फॉरवर्ड कर दिया बिना देखे बिना सोचे तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें इससे आपकी पर्सनलिटी आपके जो स्किल्स हैं उसके ऊपर एक सवाल या निशान लगता है दूसरों से प्रतिक्रिया लें टेक ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम अदर्स और आपकी कुछ गलतियाँ हो रही हैं आपको लगता है कि कहीं पर गलतियाँ हैं तो उनको सुधारें उनके ऊपर विचार करें सभी का सम्मान करें और हमेशा अपनी बात को दबाव में और डोमिनेट करके नहीं मनवाएं हमेशा मुस्कुरा कर सबसे बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करें और अंत भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के सामने करें समय का मूल्य समझें और देखिए सब कुछ प्रिसेस है आइ इट में बी टाइम और रुपी इसलिए ध्यान रहे हमेशा व्यक्ति के समय का वेटेज को समझें उसकी ब्रेसिसनेस को समझें उसके मूल्य को समझें क्योंकि वही जीवन सफल होता है जहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति हमेशा अपने समय के अनुसार अपनी बातचीत को रखता है और बातचीत को कभी ए, उसी समय ख़त्म करता है कभी भी बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए आपने लेक्चर को इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड शो एंड लिसनिंग माई लेक्चर अगेन आई विल बी अलॉन्ग विद आ न्यू लेक्चर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स की इनका इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स का अभी हमने जो इस लेक्चर में सुना कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं हाउ टू कम्युनिकेट हम अपनी बात को रख कैसे सकते हैं उसका तरीका क्या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आने वाला हूँ आपके सामने द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स तब तक के लिए जय हिंद